हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 ओपन विंडो सप्लीमेंट्री समरी पार्ट नंबर 2। बिफोर कमिंग टू दिस पार्ट आई विल बी रिकमेंड यू टू वॉच माय फर्स्ट पार्ट हुज लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड आफ्टर गेटिंग द समरी फ्रॉम दैट पार्ट कम टू दिस पार्ट। सो यहाँ पे हमने देखा था कि एक बच्ची है, नीस है मिसेस सेपल्टन की, वो फ्रैम्पटन नटल जो उनके घर पे आए हुए थे नर्व प्रॉब्लम की वजह से, उनको एक स्टोरी बता रही थी। उसमें वो बता रही थी कि जो ओपन विंडो है इसमें से मतलब ये इसलिए ओपन रखी गई है क्योंकि मिसेस सेपल्टन के जो हस्बैंड हैं और उनके जो दो भाई हैं वो एक दलदल में फंस गए थे और वो कभी भी वापस नहीं आए हैं और ये 4 साल पुरानी बात है, तो वो उनका इंतज़ार कर रही है इसलिए ये विंडो ओपन रखती हैं। She broke off with a little shudder. Shudder means shake violently. And तुरंत ही वो मतलब एकदम सी एकदम shake हो जाती है। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in the making her appearance. और जो Frampton Nuttall है ना, उनको तो वो एकदम मतलब ऐसे रिलैक्स से हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि जो aunt हैं वो इधर आ गई हैं, क्योंकि वो नीस की बातों से काफ़ी डर जाते हैं। बस्टर्ड मीन्स व्हाट? एंटर्ड द रूम नॉइजीली। तो उनकी जो मतलब जो नीस की आंट है मिसेस सेपल्टन, वो एकदम आवाज़ करती हुई रूम में आ जाती हैं और वर्ल ऑफ एपोलॉजीज मतलब वो काफ़ी मतलब सॉरी बोलती हैं कि भाई मुझे लेट हो गया आने में, आपको मेरे लिए वेट करना पड़ा। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। और मिसेस सेपल्टन बोलती हैं कि मुझे पता है कि वेरा जो है वो काफ़ी आपको मतलब उसने आपका टाइम अच्छे से पास कर दिया होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। ठीक है, तो वेरा कौन है? वो नीस का नाम है वेरा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सीड फ्रैम्पटन। और फ्रैम्पटन बोलते हैं कि वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सीड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली। माय हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। अब मिसेस सेपल्टन को तो कुछ पता भी नहीं होता है कि नीस ने क्या बोला है, लेकिन मिसेस सेपल्टन वो ऐसे बोलती हैं मिस्टर नटल को कि आपको ओपन विंडो से कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, वो धीरे से ऐसा बोलती है, मतलब ब्रिस्कली का मतलब होता है एक्टिव एंड एनर्जेटिक। फाइन, तो वो काफ़ी एनर्जी के साथ ऐसे बोलती हैं कि मुझे लगता है आपको ओपन विंडो से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड और दोनों ब्रदर्स हैं वो शूटिंग से वापस आते ही होंगे और वो इसी रास्ते से आ जाएंगे। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टूडे, सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स। ठीक है, तो आज वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि वो जैसे मार्शेस वगैरह आप उसको बोल सकते हो, जो वाटर लॉक्ड लैंड होती है ना उसको हम मार्शेस बोलते हैं, वाटर लॉक्ड लैंड मतलब एक ऐसी लैंड जहाँ पे पानी सा भरा हुआ हो। तो दलदल वाले एरिया में, पानी वाले एरिया में वो लोग गए हैं शूटिंग करने के लिए, तो वो जब आएंगे तो मेरे जितने भी कारपेट्स हैं वो सब ख़राब कर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक, इजंट इट? मैन फॉक मीन्स मैन ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। ओके, मैन ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, तो मतलब वो उसकी तरफ इशारा करती हुई बोलती है कि देखो मैन का तो ऐसा ही होता है कि वो आपके सब कुछ गंदगी कर देते हैं। शी रैटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर। एंड रैटल्ड मीन्स वेंट ऑन। और वो मतलब काफ़ी चीयरफुली, काफ़ी हंसते हुए मतलब वो ये बातें करने लगती है शूटिंग की। और फिर फ्रैम्पटन नटल को बोलती है कि अभी तो मतलब भले ही वो शूटिंग के लिए गए हैं लेकिन बर्ड्स की काफ़ी कमी हो गई है और जो विंटर है उसमें कभी बर्ड्स, कभी डक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, कभी नहीं भी मिलती हैं। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये मिसेस सेपल्टन है, ये उनकी नीस है वेरा और ये फ्रैम्पटन नटल है। तो वो जो मिसेस सेपल्टन है वो अपने हस्बैंड और अपने दोनों भाइयों के बारे में बातें कर रही हैं। फाइन, टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल
प्योरली हॉरिबल, और फ्रैम्पटन के लिए तो ये काफ़ी डरावनी चीज़ें होती हैं. ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घेस्टली टॉपिक. ही वॉज कॉन्शियस दैट इज हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन एंड हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड. ठीक है, अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल तो हैं, वो तो काफ़ी एकदम से डर से जाते हैं, और डेस्परेट का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो. ठीक है, या आपको कोई भी चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, या उसको मतलब किसी भी चीज़ में आपको उत्सुकता है या बहुत ज़्यादा सीरियस हो. ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक. तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए कि भाई ये जो बातें हैं ना, इसको हम जल्दी से जल्दी बंद करें. ये जो हॉरिबल घेस्टली मीन्स हॉरिबल बातें जो हो रही है उनको जल्दी से जल्दी बंद करा जाए, क्योंकि उनको वैसे ही नाव प्रॉब्लम था. तो उनको मतलब ये सारी चीज़ें सुन के उनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी. और वो जो हॉस्टेस यानी यहाँ पे मिसेस सेपल्टन की बात करी है, फीमेल को हम हॉस्टेस बोलते हैं, जो फीमेल होस्ट होती है उसको. तो वो काफ़ी मतलब ऐसे कॉन्शियस से हो गए थे ये सारी बातें सुन के, और वो अपना ज़्यादा अटेंशन उस बात पे पे नहीं कर रहे थे मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, जो मिसेस सेपल्टन बोल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके नीस ने काफ़ी सारी बातें कही थी. एंड उनकी जो आइज थी वो अभी भी मतलब स्ट्रेइंग मीन्स मूविंग. ठीक है, तो वो अभी भी उस विंडो की तरफ ही देख रही थी जो लॉन की तरफ ओपन हुई है. इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी. तो वो ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बदनसीबी हो गई कि मैंने ऐसा कोइंसिडेंस है मेरे साथ कि मैं ऐसी ही ट्रेजिक मतलब एनिवर्सरी पे, जब इनके ब्रदर और इनके हस्बैंड वहाँ पे गए थे और ये लोग आज ही आने वाले हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. वैसे ही उनको नर्व प्रॉब्लम था तो इसलिए वो ज़्यादा डर रहे थे. डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कम्प्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, अनाउंस्ड फ्रैम्पटन. अब फ्रैम्पटन नटल जो हैं वो मिसेस सेपल्टन को बताते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है, और कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट है या कोई भी चीज़ का मतलब कोई बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा पेन, या तो फिर वायलेंट जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं उनसे मुझे दूर रहने के लिए कहा है. हु लेबर्ड अंडर द टॉलेबरली वाइड स्प्रेड डेल्यूजन द टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure. तो यहाँ पे डेल्यूशन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ. ठीक है, और वो मतलब फॉल्स बिलीफ एंड acquaintances means a person you know slightly. वैसे बताया गया है कि वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे विश्वास कर लिया करते थे, और फिर उन्होंने अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो उनको धीरे धीरे बताना स्टार्ट करा कि मुझे डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या मतलब मैंने जो कंप्लेंट्स करी थी मेरी नर्व प्रॉब्लम के बारे में, तो उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ों के लिए ध्यान रखने के लिए बोला है, और उनका किस तरीके से मतलब ये कैसे हुआ है और इसका क्योर क्या हो सकता है. फाइन, ऑन द मैटर इन्फॉर्मेटिव्स मीन्स रिलेटिंग टू द हेल्थ कंप्लेन ऑफ सिकनेस और वीकनेस. ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कंटिन्यूड. ठीक है, और मुझे मेरी डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बोला है, ये वो मिसेस सेपल्टन को बताते हैं. नो सेड मिसेस सेपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड योन एट द लास्ट मोमेंट. और तो मिसेस सेपल्टन बोलती हैं कि अरे मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है, और वो यॉन करते हुए बोलती हैं इस लास्ट में. देन शी सडनली ब्राइटन इन टू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग. और फिर सडनली वो मतलब एकदम ब्राइट उनका रिएक्शन हो जाता है जब वो क्या देखती हैं, फ्रैम्पटन को नहीं किसी और चीज़ को देखते हुए, और वो क्या है वो हमें यहाँ पे बताया गया है. हियर दे आर एट लास्ट, और वो बोलती हैं कि ये लोग आ गए. शी क्राइड जस्ट इन टाइम फॉर टी, और बिल्कुल चाय के समय वो लोग आए हैं. एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और ऐसा नहीं लग रहा है उनको देख के कि वो पूरे मिट्टी में भरे हुए हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो विंडो है ये ओपन है, और यहाँ पे उनके भाई, दोनों भाई और उनके हस्बैंड और उनका जो डॉग है वो आ गए हैं, और ये फ्रैम्पटन नटल हैं, ये उनकी नीस हैं, और ये मिसेस सेपल्टन हैं. तो अब वो लोग आ जाते हैं. फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टूवर्ड्स द नीस विद अ लुक
इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन। और यहीं पे ही फ्रैम्पटन जो हैं वो काफ़ी शिवर करने लगते हैं, क्योंकि नीस ने तो उनको ये बताया होता है ना कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन फिर वो जब उनको देखते हैं तो फ्रैम्पटन नेटल को लगता है कि भाई ये तो क्या है, घोस्ट हैं सारे के सारे। और वो एकदम मतलब सिंपैथेटिक रिएक्शन से नीस की तरफ देखते हैं। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद डेज्ड हॉरर इन हर आइज। और जो मतलब नीस है वो भी एक्टिंग करने लगती है, और वो काफ़ी ऐसे बताती है कि मुझे भी काफ़ी हॉरर सा महसूस हो रहा है, काफ़ी डर महसूस हो रहा है उस विंडो की तरफ देखते हुए। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। और इसी मतलब एकदम ठंडे शॉक जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल वो एकदम ठंडे से पड़ गए फ्रैम्पटन, और वो अपनी सीट को पकड़े हुए और वो बाहर की तरफ देखते हैं, इन द विंडो की तरफ देखते हैं। इन द डीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वर अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो। और वो देखते हैं कि वो तीनों जने जो हैं मतलब हल्की हल्की सी शाम में, मतलब जब हल्की हल्की सी आप बोल सकते हो कि सूरज ढल रहा है, उस टाइम पे वो आ जाते हैं वहाँ पे विंडो में से। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, और उनके पास गन्स होती हैं, एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन्ड विथ अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स। और एक जो उनके हस्बैंड है उनके पास वाइट कोट होता है जो उन्होंने अपने शोल्डर्स पे हंग करा होता है, रखा होता है। टायर्ड ब्राउन स्पैनियल कैप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और उनके पास पास एक जो डॉग है वो भी चल रहा होता है। नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस, और बिल्कुल शांति से वो घर की तरफ आते हैं। एंड दे होर्स एंड देन अ होर्स यंग वॉइस, और उसी दौरान फिर एक आवाज़ सी आती है और वो बोलती है, चांटेड आउट टू द डस्क आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। सो इस जो ये एक अजीब सी यंग वॉइस आती है वो क्या बोलती है, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। तो ये जो हैं वो उनके फ्रेंड मिसेस सेपल्टन जो है ना, उनके ब्रदर उनको टीज करने के लिए ये जो सॉन्ग है वो गाया करते थे। तो वही सॉन्ग गाते गाते वो विंडो की तरफ से अंदर आता है, उनका जो ब्रदर है वो, उनका और दोनों ब्रदर्स और उनका हस्बैंड। ठीक है, चलो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट। और जो फ्रैम्पटन नटल है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये तीनों घोस्ट हैं, और वो अपनी जो स्टिक और हैट है उसे पकड़ लेते हैं। द हॉल डोर द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। और ग्रेवल ड्राइव मतलब आप बोल सकते हो जो स्मॉल नॉक्स होते हैं ना, उसको हम ग्रेवल ड्राइव बोलते हैं। और वो हॉल की तरफ भागने लगते हैं और फटाफट मतलब वो आगे की तरफ गेट की तरफ भागने लगते हैं। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हैच टू अवॉइड इमिनेंट कोलाइजन। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, फाइन। तो वो इतनी तेज़ भागते हैं, उनको इतना डर लगता है कि ये घोस्ट हैं, कि वो साइकिल से टकराते टकराते बच जाते हैं। मतलब जो एक साइक्लिस्ट आ रहा होता है उसे टकराते टकराते बच जाते हैं। हैज का मतलब होता है फेंस और बाउंड्री। हियर वी आर माई डियर सेड द बैरर ऑफ द वाइट मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। और फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हम यहाँ पे घर पे आ गए हैं। मैकिंटोश का मतलब होता है क्लोथ जो वाटर प्रूफ हो, मतलब उनकी कोट की बात करी गई है, जो वाइट कोट उन्होंने शोल्डर्स पे रखा होता है। और ठीक है, उन्होंने रखा होता है अपने वाइट कोट अपने शोल्डर्स पे, और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं हम लोग आ गए हैं। और ये किस तरीके से, कौन था ये आदमी जो इस तरीके से भाग गया। अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन अ मिस्टर नटल सेड मिसेस सेपल्टन। और मिसेस सेपल्टन बताती हैं कि ये मिस्टर नटल थे जो इस तरीके से कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन थे। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और एपोलॉजी व्हेन यू अराइव्ड। और वो सिर्फ अपनी इलनेस के बारे में बता रहे थे और वो तुरंत यहाँ से डैश्ड ऑफ मतलब सिचुएशन का सामना ना करना और तुरंत भाग जाना और तुरंत ही गायब हो गए बिना गुड बाय किए या बिना कुछ बोले, बिना कोई एपोलॉजी बताए। और वो वहाँ से व्हेन यू अराइव्ड मतलब आप आए तो आपको कुछ बात भी नहीं करी और तुरंत गुड बाय करे बिना वो निकल लिए। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने घोस्ट को देख लिया है। तो अब देखो यहाँ पे स्टोरी में पूरा ट्विस्ट आ रहा है कि जो मिसेस सेपल्टन हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि उनकी नीस ने क्या स्टोरी उसको उनको बोली है। जो मतलब नीस जो है उसने पूरा यहाँ पे गेम प्लानिंग करा था और स्टोरी बोली थी, मतलब ये पूरी झूठी स्टोरी बताई गई थी उनकी नीस के थ्रू, किसको, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को। और हकीकत में ऐसा कुछ भी था नहीं, ओके, मतलब रियली में ये पूरी स्टोरी जो है वो रॉन्ग थी।
कोई वो दलदल में नहीं फंसे थे और ना तो उन लोगों की डेथ हुई थी। नॉर्मली वो शूटिंग पे गए थे, लेकिन जो उनकी नीस है उनको मजाक करने की आदत है, तो उन्होंने इस तरह का मजाक किया था। आई एक्सपेक्ट इट वॉज अ स्पैनियल, सेड द नीस कामली। और जो नीस है, अब देखो दोबारा एक स्टोरी बना रही है, क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्रैम्पटन नेटल के साथ स्टोरी बनाई है, तो वो रीज़न दे देती है कि हो सकता है कि जो स्पैनियल डॉग है ना, इसको देख के वो डर गए हों, क्योंकि वो खुद बचना चाहती है। क्योंकि अगर पता लग गया कि उसने स्टोरी क्रिएट करके मिस्टर फ्रैम्पटन नेटल को डरा दिया है, तो फिर उसको भी डांट पिटेगी, इसीलिए वो एक स्टोरी अगेन एक क्रिएट करती है कि वो स्पैनियल को देख के डर गए होंगे। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, और वो ऐसे झूठ झूठ वापस बोल देती है घर पे कि उन्होंने मुझे बोला था कि उनको डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब वो मेरे साथ पहले बैठे थे, जब आप ऊपर थी तभी। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंग्स बाय अ गंगास बाय अ पैक ऑफ डॉग्स एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डक ग्रेव विद क्रिएचर स्नार्लिंग एंड ग्रीनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबोव हिम। ठीक है, तो वो बताती है कि किस तरीके से एक बार गंगा रिवर के बैंक पे, मतलब किनारे पे जब वो जा रहे थे, तो कुछ डॉग्स हैं वो उनका पीछा करने लगे थे, और पीछा करते करते वो इतना भागे आगे कि वो एक ग्रेव जो है, मतलब एक जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जो कब्र है उसके पास पहुँच गए, और वहाँ पे उन्हें अजीब क्रिएचर्स थे कुछ, और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। इनफ टू मेक एनी वन लूज दियर नर्व, और इस वजह से, मतलब जो हो सकता है कि वो उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया है, मतलब ख़राब हो गया है, और उनको नर्व प्रॉब्लम हो गया है। रोमेंस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। रोमेंस एट शॉर्ट, मतलब यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है फाइंडिंग ओकेशंस फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट, तो वो जो वेर एवर पॉसिबल। तो उनकी नीस के बारे में लाइन लिखी है कि वो हमेशा ऐसे ओकेशंस फाइंड करती रहती थी जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा फन मिले, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने को मिले। तो उसने लास्ट में भी एक स्टोरी क्रिएट कर दी फ्रैम्पटन नटल के साथ, तो उसने स्टोरी क्रिएट करी ही थी, लेकिन फिर उसने वापस मिसेस सेपल्टन के लिए भी और उनके जितने भी मतलब मेम्बर्स थे उन सबके लिए एक स्टोरी क्रिएट कर दी कि हो सकता है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को हमारे डॉग से डर लग गया हो, क्योंकि वो वैसे भी एक बार जा रहे थे गंगा नदी के किनारे, तो वहाँ पे भी डॉग्स ने पीछा करा था और वो कब्र में जाके पहुँच गए थे बचते बचते, और वहाँ पे फिर कुछ क्रिएचर्स थे, उनकी आवाज़ें सुन के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हुई थी, तो इस वजह से वो यहाँ से भाग गए। मतलब पूरे स्टोरी में ये बताया है कि जो नीस है उसने पहले भी झूठ बोल के फ्रैम्पटन नटल को, मतलब ऐसे ही एंजॉय मस्ती करी उनके साथ, ओकेशन जो है उसको पूरा एकदम फनी और एंजॉयबल कर दिया, और यहाँ पे भी उसने क्या करा, वापस जो पूरी जो टॉक है उसको पूरा गलत साबित कर दिया। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप एवरीबडी एंजॉयड इट एंड लाइक्ड इट and understood it properly. If you have any doubts, you can comment me in the comment section. And if you really liked my video, please give it a like, share among your friends, and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.